नमस्कार साथियों, मैं हूँ एडवोकेट अशोक चौधरी। आज सुबह का कुछ मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर दूं। भाई कनाडा के नाम से एक मेरे पड़ोस में बंदा है, राजस्थान में जस्ट पास में 50 किलोमीटर उनका जिला पड़ता है झुंझुनू। उस बंदे ने क्या किया कि पोर्टल पे, जो पोर्टल होते हैं जॉब से रिलेटेड पोर्टल साइट होती है, वहां पे अपने रिज्यूम वगैरह कहीं पे सेंड कर दिया। डायरेक्ट कनाडा से मेल आया सुबह 5 बजे। अब मेल भी सुबह 5 बजे आता है क्योंकि भाई इंडिया में जब नाइट होती है तो वहां तो दिन होता है, यूरोप कंट्री में लगभग यही स्थिति होती है। तो वहां से मेल आया कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है, ऑफर लेटर आपका आ चुका है, जल्दी से सिग्नेचर करके भेज दीजिए और अपना काम प्रोसेस में आप करवाइए। तो अब उसको मिला क्या, इसमें मैं बता दूं, मात्र 15 दिन में उसका कनाडा का ऑफर लेटर आ गया बिना इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू उसका सिर्फ फोन पे हुआ था, पूछा क्या नाम है, क्या करते हो, आपको गाड़ी वगैरह चलानी आती है? तो बंदा ने बोला हाँ। तो उसके हिसाब से देखिए, बिना इंटरव्यू उसका ऑफर आ गया, सैलरी है 9000 CAD, यानी कनेडियन करेंसी 9000। 9000 का कितना बनता है भाई, 6-7 लाख रुपए महीना आपकी सैलरी रहेगी। फोन पर इंटरव्यू हुआ, कोई झंझट नहीं, सिर्फ फोन पर इंटरव्यू दे दिया, बंदे को सिलेक्ट कर लिया गया और यह सिस्टम आ गया, कनेडा से डायरेक्ट कॉल आया। अब ये रहना खाना सब कुछ मिल रहा है। अब इसमें बोला गया कि आपके, आपने जिस एजेंसी के थ्रू आप काम करवाना चाहते हैं उनसे आप मिलिए, $180 उसमें मांगे कि $180 आप लेके आप दिल्ली पहुंचे, वहां पे आपका काम हो जाएगा। अब यार समझ में, 180 का कितना बनता है, लगभग 13-14 हजार रुपए बनता होगा। अब सोचने की बात यह है, उस बंदे ने मुझे पूछा सर क्या है ये, तो भाई क्या लगता है ये? आपको बोलने हैं कि हालांकि ये बहुत सारे लोगों के साथ ये होती है, रोज मेरे पास ऑफर लेटर आते हैं, सबका तो मैं चेक नहीं कर पाता, जो मेरे से फीस वगैरह बात होती है तो मैं उनका बता देता हूँ। 100% वो ऑफर लेटर एडिट किया गया था। एडिट में होता क्या है कि सेम सिस्टम, ऑफर लेटर ओरिजिनल होता है लेकिन उसको एडिट किस तरह से करते हैं, क्या करना होता है, नाम चेंज करना, पासपोर्ट, और आप जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो उसको काट के ड्राइवरी लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, प्लम्बर लिख दिया, सैलरी काट दी। अब सैलरी उसने या तो भूल कर दी उन्होंने कि कनाडा में 9000 CAD तनख्वाह मिलती है क्या, वहां की 6.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है ड्राइवरी में, अमेरिका में लोग 3 लाख के करीब कमाते हैं, तो कनाडा में इतना सैलरी कहां से मिल जाएगी यार। तो हो सकता है वो ऑफर लेटर कोई बड़ी जॉब का होगा, इन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो ये सेम टू सेम सैलरी वही रह गई, बाकी सिस्टम चेंज हो गया। बाकी सैलरी इसमें चेंज होनी थी लगभग 1500 कैनेडियन सैलरी अगर होती, 1500-1600 तब ठीक था, लेकिन ये सिस्टम कहने का मतलब है कि भाई फेक, यानी देखते ही पता लग रहा है कि ये फेक है, फिर भी लोग पता नहीं। बंदा बोल रहा है कि सर 200 दराम ही तो लग रहे हैं, मैं ट्राई कर लूं। अब 200 दराम का कितना होता है भाई, 14,000। फिर बंदा बोलता है मेडिकल करवा लो, तो मेडिकल का पैसा लग गया। फिर बोलते कोरियर के 3-4 हजार, आपको कोरियर कनाडा भेजना पड़ेगा तो उसका पैसा 20-25 हजार गए। क्या मतलब होता है इन बातों का, क्या लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो काम करवा सके क्या? तो भाई देखिए, शॉर्ट में मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके पास भी अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे ऑफर लेटर आते हैं, तो उसको चेक करें, थोड़ा सावधानी से पढ़ते हैं, तब जाके समझ में आएगी कि सच्चाई क्या है। बाकी इसमें तो कुछ भी लिखने से नहीं होता। तो इस तरह से ऑफर लेटर अगर आपके पास भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, 100% फेक ही होंगे, क्योंकि जो अच्छे पढ़े लिखे स्किल्ड आदमी हैं, जो अच्छे साथ साथ बैंड तक ले आते हैं, अच्छा पैसा देते हैं, हर चीज खुद कर सकते हैं, उनको भी वीजा नहीं आता, उनका भी रिफ्यूजल हो जाता है, वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जिनकी साथ साथ कंट्रियों की हिस्ट्री बना रखी है, ट्रेवल हिस्ट्री, जिनके पास टैक्स की फाइल है, बैंक हिस्ट्री बहुत अच्छी है, पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास है, फिर भी उनको वीजा नहीं मिलता। तो क्या लगता है कि आपको फोन पे इंटरव्यू देकर आपका काम हो जाएगा? तो थोड़ा सा गौर कर लें इन चीजों पे, बचने तो, क्योंकि आपका पैसा और टाइम खराब हो जाएगा, आपका पैसा भी खराब हो जाएगा, टाइम भी खराब हो जाएगा। तो जो बंदा जिस लेवल का है उसको उसी कंट्री के हिसाब से कोशिश करनी चाहिए। भाई सच्चाई ये है कि दुबई, कतर जैसी कंट्री में भी इतना आसानी से वीजा नहीं मिलता, उसमें भी इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर वेट करो, सिलेक्शन होगा, 2-3 महीने लग जाते हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि काम वीजा आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं होती, किस्मत होता है। कंपनी को 50 लोगों की जरूरत होती है, 200 लोग आ गए तो वीजा तो 50 को मिलना है, बाकी तो 150 लोग तो 2-3-4 महीने वेट करने के बाद पासपोर्ट पकड़ा देंगे अगले वापस। तो ये थोड़ा सा है, तो गौर कर लीजिए ताकि आप भी इसमें बच सको और लोग आपका पैसा टाइम बर्बाद ना हो। आज का वीडियो इतना ही, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप भी आप चेक कर सकते हैं, चेक किसी से करवा सकते हैं, ताकि आप धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।